हेलो फ्रेंड्स, हैंड नीटिंग विद अनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये दो कलर से एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। मैं ये जैकेट बना रही ही हूँ, लेडीज़ जैकेट, तो उसमें ये मैंने ये पैटर्न डाला हुआ है। इसका मेज़रमेंट तो मैं बाद में बताऊंगी, आज मैं सिर्फ इस पैटर्न पैटर्न को बताती हूँ, ये मैं पैटर्न कैसे डाल रही हूँ। अगर पैटर्न के साथ हम पूरा मेज़रमेंट बताएं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज मैं सिर्फ पहले ये मैं डिज़ाइन डिज़ाइन को बता देती हूँ। फ्रंट पार्ट है तो इसको मैंने कैसे डाला है ये मैं धीरे धीरे आपको सभी बताऊँगी। इसमें इस डिज़ाइन को आप बेबी फ्रॉक में, बेबी जैकेट में, गर्ल स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, किसी में भी लेडीज़ के उसमें डाल सकते हैं। बेबी बॉयज़ के स्वेटर में भी हम डाल सकते हैं। ये मेरे पास दो कलर की वूल है, ये दो कलर के मैच से मैं इसको बना रही हूँ। ये हमारा सिर्फ 6 फंदों का, एक बारी में 6 फंदों का और 6 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। इसको हमने कैसे डालना है, ये येलो कलर से लाइट येलो है तो इसकी तो सिर्फ हमारी 2 सिलाइयाँ बनेंगी, और ग्रीन कलर से हमारी 4 सिलाइयाँ बनेंगी। शुरू में हम जब डालना शुरू करते हैं, दो कलर से हमने ये ग्रीन कलर से बना ली सिंपल 2 सिलाइयाँ। बनाने के बाद दो बना लो या 4 बना लो, 4 सिलाई बनाने के बाद राइट साइड में एक सिलाई, अब ये देखिए एक सिलाई निकालेंगे येलो कलर से राइट साइड में, राइट राइट सीधी सीधी, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट सिलाई से मैं ये बनाना शुरू कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इसमें फर्स्ट सिलाई हमने कैसे करनी है। नीचे बॉर्डर के बाद 2 या 4 सिलाइयाँ हम सिंपल बना लें और उसके बाद पैटर्न डालना शुरू करें। तो 2 सिलाई, एक सिलाई तो ये राइट साइड तो हमने येलो कलर से मैं बना रही हूँ, मेन कलर मेरा इसमें ग्रीन है और इसमें मैंने मैच ये लाइट येलो कलर से मिलाया है। ग्रीन भी मेरा थोड़ा लाइट ही है, ये भी ज़्यादा डार्क में नहीं है। तो ये फर्स्ट सिलाई हम ऐसे इसको बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल राइट राइट सीधी सीधी बनानी है, फर्स्ट सिलाई में हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये हमने बनाकर फर्स्ट सिलाई बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम अपनी उल्टी साइड, दूसरी सिलाई येलो कलर से 2 डलेंगी सिलाइयाँ और ग्रीन कलर से हमारी 4 सिलाइयाँ। अब आ जाते हैं हम अपनी बैक साइड में उल्टी सिलाई में, उल्टी सिलाई में एक फंदा हम उल्टा उतार लेंगे। उसके बाद इधर से भी हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनाना है, धागा पीछे रखना है, पीछे की साइड ही बनाना है। जैसे फर्स्ट सिलाई हमने सीधी सीधी बनाई है, इसी तरह ये दूसरी सिलाई भी सीधी सीधी ही बनानी है। ये इस तरह धागे को पीछे की तरफ करके पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये 2 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी दोनों साइड से सीधी सीधी बना ली। अब आ जाते हैं हम दूसरा कलर लगाते हैं और अपनी राइट साइड तीसरी सिलाई पर। इसमें देखिए हम बनाएंगे शुरू में 1 2 3 4 5 फंदे। वैसे तो अगर शुरू में हम डालें तो हमें 3 फंदे या 2 फंदे ही बनाएं, लेकिन मैं ये पैटर्न जो बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो अब 5 फंदे हमने ये बना लिए, यानी कि ये 4 फंदे बीच में हमारे ग्रीन कलर से हैं और 2 फंदे ये येलो कलर से हैं। ये जो 4 फंदे हमारे ग्रीन कलर से, उसके साइड का एक फंदा और इधर का बीच के 2 फंदे, बीच के 2 फंदों को हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बुनाना नहीं है। अब ये बीच के 2 फंदे जो हमने पहले बना रखे, 2
तीन और चार फंदे हम बना लेंगे, दो फंदे हम बीच के फिर उतार लेंगे, फिर ये एक दो तीन चार फंदे बनाएंगे, दो फंदों को हम उतार लेंगे, फिर ये एक, इसी तरह पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। चार फंदे ग्रीन कलर से हमने बना लिए और एक दो फंदे हमने उतार लिए, फिर ये ऐसे पूरी सिलाई को मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो ये तीसरी सिलाई, पैटर्न की तीसरी सिलाई को मैं ऐसे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी उल्टी साइड चौथी सिलाई, पीछे की साइड से। अब पीछे की साइड से देखिए, वे जो येलो कलर के फंदे थे वो तो हमने सीधे सीधे बनाए थे, राइट साइड से भी सीधे और रॉन्ग साइड से भी सीधे सीधे, लेकिन ये ग्रीन वाले अब ये लास्ट में हमारे यहाँ पांच फंदे हैं, पांच फंदों को हमने बना लिया। जो ये येलो कलर वाले हमने उतारे थे उन फंदों को ऐसे ही उतार लेंगे, इनको नहीं बनाना उल्टे। अब ये बाकी जो ग्रीन वाले हैं इनको हम चारों फंदों को उल्टा बना लेंगे, इनको नहीं। अब ये येलो वाले उतार लिए, पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे, ग्रीन वाले बनाएंगे और येलो कलर वाले जो दो फंदे हमने उतारे थे उनको हम ऐसे ही उतारते जाएंगे और उल्टे फंदों को बना लेंगे। ग्रीन वाले चार हैं, येलो वाले दो हैं, तो ये हमारी दूसरी सिलाई हो जाएगी। जाते हैं हम अपनी पैटर्न की पांचवी सिलाई, दो सिलाई येलो कलर से निकाली, दो ग्रीन से निकाली, चार सिलाइयाँ हो गई, और ग्रीन ग्रीन से लगाएं तो हमारी तीसरी सिलाई है। अब यहाँ पर हमने फिर सेम वही जो पहली सिलाई बनाई, दूसरी सिलाई यानी कि ग्रीन की जो हमने बनाई थी उसी तरह ही बनाएंगे। जो ये ग्रीन वाले बना रखे हैं उन्हें हम बनाएंगे और ये येलो वाले को फिर ऐसे ही उतार उतार कर पूरी सिलाई को ऐसे ही, चार फंदे ग्रीन के हैं, दो फंदे येलो कलर वाले उतार लिए, चार फंदे हैं इन्हें हमने बना लिया, फिर ये उतार लिए। अब ये आगे के चार फंदे ग्रीन वाले सीधे सीधे फिर बना लेंगे, राइट साइड से राइट बनाएंगे, उल्टे सिलाई में उल्टे बनाएंगे और ये येलो वाले फंदों को ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की पांचवी सिलाई है और ग्रीन कलर से तीसरी सिलाई है। तो इस तरह अगली सिलाई यानी कि डिज़ाइन की छठी सिलाई और ग्रीन से चौथी सिलाई भी हमने सेम यही की यही उतारनी है, जैसे हमने अब उतार रहे हैं। येलो को हम उतार लेंगे, फंदों को हमने बिना बुना उतारना है और ग्रीन वाले हमने बनाने हैं। तो इस तरह मैं चौथी सिलाई को, डिज़ाइन की छठी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेती। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन की सातवीं, वैसे तो छह सिलाइयों का है एक पैटर्न, ये हमारा पूरा हो गया। अब नया पैटर्न शुरू होगा, नए पैटर्न में हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट सिलाई हमने येलो कलर से बनाई थी, अब चार सिलाइयाँ ग्रीन से पूरी हो गई, अब हम बनाएंगे येलो कलर से। येलो कलर से पूरी सिलाई को हम दोनों साइड, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी, दोनों साइड से हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई, अब ये जो हमने येलो कलर वाले फंदों को उतारा था इन्हें भी अब हम बुनाएंगे। ये देखिए ये ऐसे इनको पूरी सिलाई को हम येलो कलर से बना देंगे। ये सीधी सिलाई भी हमने सीधी बनानी है और येलो कलर से उल्टी सिलाई भी हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है, सीधी ही बनानी है, दोनों साइड से हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये हमारा डिज़ाइन। अब ये आ जाते हैं हम अपने डिज़ाइन छह सिलाइयों का, तो ये ग्रीन तक पूरा हो गया था, फिर उसके बाद अभी ये दो सिलाइयाँ हमने येलो कलर से बना ली। अब येलो कलर से बनाने के बाद सिर्फ येलो कलर वाली हमारी दो सिलाइयाँ ही डलेंगी। अब हम दोबारा ग्रीन से शुरू करते हैं। तो ग्रीन से अब देखिए, शुरू में हमने पहले यहाँ पर उतारे थे पाँच फंदे, अब हमने ये देखना है ये जो दो फंदे हमने पहले उतारे थे उसके साथ का एक, ये दो उतारे थे हमने, अब इस एक फंदे को, इससे पहले एक फंदा छोड़ देंगे और उसके बीच का ये
दो फंदों को हम उतार लेंगे। फिर ये दोबारा दिखाती हूँ मैं, एक फंदा मैंने बना लिया और दो फंदे ये जो पहले उतारे थे वो दोनों को बना लिया, दो तीन, एक इससे नेक्स्ट चार, यानी कि इन चार फंदों के जो वो बीच के दो फंदे हैं उन्हें हम अब उतारेंगे। फिर ये देखिए एक, अब ये दो फंदे ये हैं, ये दो और ये तीन और एक इससे नेक्स्ट वाला, चार फंदे। अब ये चार फंदे जो ग्रीन वाले थे उसके एक इधर का बना लेंगे, एक पीछे वाला बना लेंगे, बीच के दो फंदों को हम उतार लेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हैं ग्रीन वाले, बीच के दो फंदों को हम उतार लेंगे, एक दो तीन और ये बीच के दो फंदों को हम उतार लेंगे, एक दो तीन, ये तीन हो गए, अब ये चार बीच के, इस तरह पूरी सिलाई को इस तरह ही कंप्लीट करेंगे, एक दो तीन चार, एक दो, इस तरह हम ये चार सिलाइयाँ फिर बना लेंगे, ये बनाकर और इन चार ग्रीन से ही चार सिलाइयों को बना लेंगे। अब चार सिलाइयाँ ग्रीन कलर से बनाने के बाद, ये देखिए चार सिलाइयाँ यहाँ पर ग्रीन कलर से बना ली। अब उसके बाद फिर वही येलो कलर से हम दो सिलाइयाँ, दोनों सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे। तो ये मैं सीधी सीधी फिर बना लेती हूँ दो सिलाई, राइट साइड से भी और उल्टे साइड से भी, दोनों साइड से हम इसको सीधा सीधा, ये ध्यान रखना येलो कलर की सिलाइयाँ हमने दोनों साइड से सारे फंदे बनाने हैं और सीधे सीधे बनाने हैं, दोनों साइड से सीधे सीधे बनाकर मैं इसको दोनों को कंप्लीट कर लेती हूँ। और एक बार मैं फिर आपको ये ग्रीन कलर से शुरू करना बता दूंगी कैसे हमने इसको शुरू करना है। ये तो ध्यान ही रखना है कि चार फंदों के जो ग्रीन वाले हमने नीचे चार फंदे बनाए होते हैं उनके बीच के दोनों फंदों को हमने उतारना है और उसके आसपास वाले और बीच वाले वो चार फंदे हमने बुना। अब ये दो सिलाइयाँ हमने भी येलो कलर से बना ली सीधी सीधी दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से बनाने के बाद अब ये देखिए ग्रीन कलर से फिर हम शुरू करेंगे। अब ग्रीन कलर से ये जो दो फंदे हमारे सीधे हैं इन दोनों से एक इधर का और एक इधर का ये हमने ग्रीन बनाना है, यानी कि इन दोनों फंदों को ग्रीन बना लेंगे। अब ये एक एक्स्ट्रा है हमारे पास, अब ये जो दो फंदे हैं इससे इधर का ये एक बना लिया, अब इसको भी बना लेंगे, ये दोनों फंदे जो उतार रखे थे इनको बना लेंगे, अब इससे नेक्स्ट बना लेंगे, यानी कि अब ये चार फंदे थे, चार फंदों के बीच के दोनों फंदों को हम उतार लेंगे, एक दो, अब ये दो फंदे हैं दोनों, एक ये बना उतार लिया और एक ये बना लिया और अब एक ये तीसरा और ये चौथा, इन चार फंदों के बीच का फंदा, ये देखिए दोनों फंदों को हम उतार लेंगे। अब ये एक दो ये है तीन और फिर ये एक चार, इनके चार, अब इधर देखो ये चारों के बीच के दो फंदे आ गए, एक इधर रह गया एक इधर, इनको हम ग्रीन बना लेंगे, एक दो तीन चार, अब ये दो बीच के उतार लेंगे। इस तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करते जाएंगे, चार चार सिलाइयाँ ग्रीन कलर से, दो कलर येलो कलर से बनाते हुए डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको आप लेडीज़ बेबी फ्रॉक में, बेबी जैकेट में, स्वेटर में, कार्डिगन में, लेडीज़ के में, लेडीज़ के फुल में, हाफ में, किसी भी स्वेटर में इसको डालकर बना सकते हैं, कलर मैच मिलाकर बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल ही आसान भी है। तो मेरे बताने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से ही मैं कामयाब बन सकूंगी, मुझे भी कामयाब बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।